हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम हेयर टू गिव यू सम एजुकेशनल मोटिवेशनल थॉट्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर लर्नर्स जो अभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट किए हैं जिनके पास एक गोल है अचीव करने के लिए लाइक like, uh, 11 ट्वेल्थ क्लास के लिए जो बच्चे अभी अपने कंपटीशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिन्होंने कोई साइट चूज़ की होगी कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें कैसे अपनी अपने आगे को गोल गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी आपके पास एक प्लान होना चाहिए फर्स्ट वर्क ऑन द प्लान देन उसके आगे ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अचीव करने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए जैसे कि आपका गोल है कि मुझे ट्वेल्थ एग्ज़ाम बोर्ड में या टेंथ एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो कुछ उसके लिए आप क्या एफ़र्ट करें कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कैसे एक अपना शेड्यूल बनाएँ कि का आप अच्छी मार्क्स और अच्छे मार्क्स स्कोर करें बेसिकली मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है उन स्टूडेंट के लिए जो ये सोचते हैं कि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे बट वो अचीव नहीं कर पाते हैं या कहीं उनसे मिस हो जाती है कहीं कुछ चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं जिस वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिस पर आप फोकस हो कि आप अपने कुछ आ, अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल की हार्डवर्क करना है किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जैसे आज आपने एक चीज़ किया और तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल गया आपको एफर्ट करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा द मोर यू ब्लीड इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर जितना ज़्यादा आप शांति के समय में अपने नॉर्मल टाइम रूटीन में आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत उतना ही उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा आपको जब आपके एग्ज़ाम्स टाइम होंगे तब मिलेगा तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको फोकस होना पड़ेगा एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा प्लान ए बनाना चाहिए प्लान बी भी बनाना चाहिए प्लान ए की लाइक कि जो आपने चाहा वो आपके रूटीन में हुआ तो वो आपका प्लान ए हो गया पर आपने अगर कुछ चाहा जो आपके रूटीन में नहीं हुआ तो वो आपका प्लान बी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू आप लोग ने सोचा कि भैया हमें सुबह जल्दी उठना है एक अपना रूटीन बनाना है सब कुछ करना है आपने कहीं पे उसको नोट डाउन कर लिया अगर आप नहीं नोट डाउन कर सकते तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप के लिए अपने मन में एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है मुझे ये चीज़ करनी है फ़र्स्ट आपको डिटरमिने आपके अंदर डिटरमिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकूँगा या मैं कर सकूँगी आई हैव द करेज आई हैव द टैलेंट सो कि मैं ये कर सकती हूँ और लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन जो है वो हमारी स्टडीज़ ही हैं एक एजुकेशन ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो मतलब आप चाहो तो बहुत अच्छी चीज़ से अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है अच्छी लाइफ मिल सकती है ऐसा है वेपन है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू एवरी नेक्स्ट लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए स्पेशली स्टडीज़ के लिए अगर आपने स्टडीज़ के लिए शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर दिया तो लाइफ आपकी बे मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी शॉर्टकट्स लेना मतलब आज ये फार्मूले का डेरिवेशन आज ये नहीं सीखा कल सीखूंगा कल करूंगा आज नहीं करता हूं आज इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बना के पढ़ लेता हूं नहीं नो शॉर्टकट्स नेक्स्ट अपने माइंड को मेकअप करना है ख़ुद फोकस रहना है और हमारा ही माइंड हमें कंट्रोल करता है हमारा ही माइंड हमें अनकंट्रोल बनाता है और नथिंग कैन डू इन अ वन डे लाइक रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे हर चीज़ को बनने में एक टाइम लगता है और एक आधा सेकेंड भी आप अगर चेंज करते हो तो चीज़ों में चेंजेस दिखते हैं यू फील द चेंज यू हैव टू डू इसीलिए यू हैव टू वर्क हार्ड और हार्डवर्क इतना करना है कि उसकी फीलिंग से आपको फील हो कि लाइक like, हाँ मैंने हार्डवर्क किया था यू विल फील यू विल फील रिलैक्स विद द सक्सेस इतना हार्डवर्क होना चाहिए मे बी एक टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा दो टाइम में आएगा टाइम लगेगा इट विल टेक टाइम एक दिन में कुछ भी नहीं होता है ना चेंज होता है ना कुछ आता है और अपने आप पहली चीज़ मैंने आपको बताया फोकस्ड होना चाहिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए और डाइवर्जन नहीं होना चाहिए लाइफ में जैसे लाइक घोड़े को आपने देखा है कि उसके वहाँ पे होता है कि उसके आइज़ के पास एक कवरेज टाइप बना रहता है कि ना वो इधर जाए ना उधर जाए वो सिर्फ स्ट्रेट देखे तो वैसे ही आपको भी फोकस होना पड़ेगा डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि लाइक मुझे यही काम करना है मेरा अभी इस समय ये पढ़ाई का काम ज़रूरी है मुझे पढ़ाई करनी है मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है बहुत सारी चीज़ें आपको डाइवर्ट करेगी दोस्त दोस्त डाइवर्ट करेंगे पार्टीज़ हैं मूवीज़ हैं इंटरनेट है यूट्यूब है जहाँ से आप बहुत डायवर्जन मिल सकता है डाइवर्ट हो बट इन एक पर्टिकुलर टाइम पे कि हाँ भाई मुझे इतना डाइवर्ट होना है मैं डाइवर्ट हो गया अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मान लीजिए आपने कभी एक दिन वेस्ट भी किया तो नेक्स्ट डे आप उसका उतना फ्रूटफुल टाइम अपना निकाल लीजिए कि जो मैंने कल वेस्ट किया था आज मैंने उतना मैनेज कर लिया और टाइम फ्लाई करता है टाइम किसी के लिए रुका नहीं रहता है वो ना आपके लिए रुकेगा ना मेरे लिए ना किसी के लिए सो टाइम इज़ लाइक अ एरोप्लेन जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है सेम टाइम भी उसी तरह फ्लाई करता है सो डोंट वेस्ट योर टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और लाइफ में डिटर्मिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन का मीनिंग एक लेमैन के उससे आपको बताऊं तो डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है कि आप कितना अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है कितने आप डिटरमाइंड है वेदर द वर्क इज़ हाउ डिफिकल्ट वो कितना भी डिफिकल्ट काम हो पर आप उसके लिए कितनी तो कितने उससे लगे हुए हैं ये डिपेंड ये होता है डिटरमिनेशन का मीनिंग यू हैव टू बी डिना डि डिटरमाइंड टू योर वर्क कोई भी ड्रीम एक दिन में पूरी नहीं होती है उस बहुत मेहनत लगती है बहुत टाइम लगता है तब जाकर कोई चीज़ कंप्लीट होती है आप साल भर पढ़ते हो तो तब जाके 365 डेज आप पढ़ते हो आप पूरा एक ईयर पढ़ते हो तब जाके उसको आपका एक दिन आता है तो वो रिजल्ट मिलता है तो जब लाइक स्मॉल स्मॉल टाइम और फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप मेहनत करते हो तब आपको उसका आपका रिजल्ट मिलता है ऐसा नहीं है कि जो विनर्स होते हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिन होते हैं या उनके पास कोई अलग सी पावर होती है जो वो विनर हो जाते हैं विनर भी हमारी ही तरह होते हैं वो भी हम ही लोग की तरह नॉर्मल इंसान ही होते हैं बस वो उस टाइम पढ़ते हैं जिस टाइम हम ये सोचते हैं कि हमें रेस्ट करना चाहिए उस समय वो पढ़ते हैं इसीलिए वो विनर्स होते हैं और कहीं ना कहीं हम जो एक इंसान नहीं अचीव कर पाता वो लूजर हो जाता है तो आप अपनी वर्क के प्रति फोकस्ड यू हैव टू बी फोकस्ड यू हैव टू बी डिटरमाइंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि लाइक आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस आपको आज मैंने मुझे ये करना है कल मुझे ये करना है आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए न, लाइफ में अगर आपने कुछ टाइम अच्छे से पढ़ लिया जिस टाइम जो काम करना था आपने किया तो आपको उसको सक्सेस मिलेगी ज़रूर मिलेगी देर इज कोई मैजिक मेरेकल नहीं होता इंसान मेहनत करता है देन ओनली ही और शी गेट्स